बहुत सारे लोग पूछते हैं क्या टेम्परेचर है, तो ये टेम्परेचर है और ये साड़ी है। साड़ी मतलब दिख भी नहीं रही है, देख लीजिए इतना पतला कपड़ा है। और प्रेस कैसे हो रही है ना, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये देख लीजिए, ये साड़ी हो रही है प्रेस और ये बिना प्रेस, इतना पतला कपड़ा है। और टेम्परेचर है इतना, और हम आधी साड़ी में स्प्रे करते हैं नॉर्मल पानी, तब जाके साड़ी अच्छे से प्रेस होती है। तो ये थोड़ा सा मॉइस्चर के वजह से टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है, बट इसी सेम टेम्परेचर में हमारी साड़ी अच्छे से प्रेस हो रही है। बाकी आप नॉर्मल प्रेस करने जाओगे तो चिपक ही जाएगी, ऐसा समझ लीजिए। मशीन है तो सब पॉसिबल है, और बहुत ही ज़्यादा पतली साड़ी है ये। टिश्यू पेपर शायद इसे बोलते हैं ना, वो कपड़ा है। और देख लीजिए अच्छे से प्रेस हो रही है। तो बस यही है, अगर ये मशीन लेना होगा ना तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं और मशीन से रिलेटेड इंक्वायरी कर सकते हैं। बाकी ये टेम्परेचर रहेगा 80 के ऊपर, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर भी इसके लिए नहीं चलने वाला है। तो बस इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर कीजिए, और नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। धन्यवाद दोस्तों। तो ये हो गई हमारी साड़ी प्रेस, और बहुत ही नाजुक कपड़ा है। तो बस मशीन है तो कॉन्फिडेंस है कि इस तरह का काम भी हम कर लेंगे, नाजुक से नाजुक काम भी हम अच्छे से प्रेस कर लेंगे। तो बस ये वीडियो यही तक थी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर कीजिए, और नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए। इस तरह की वीडियोज हम अपलोड करते रहते हैं, और इस मशीन से रिलेटेड और इंक्वायरी करनी है तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप मैसेज या कॉल कर सकते हैं। और इसको मैंने आधी साड़ी को पानी स्प्रे किया होता है, थोड़ा टाइम उसको ऐसे रख दिया होता है, उसके बाद में फिर प्रेस करते हैं तो ज़्यादा अच्छे होती है प्रेस। धन्यवाद दोस्तों। इम्पोर्टेंट लॉन्ड्री के जो प्रोडक्ट होते हैं ना, जो मैं ऑनलाइन मंगवाता हूँ या मेरे नॉलेज में है कि ये सबके लिए यूज़फुल होंगे, तो उसकी ऑनलाइन बाय लिंक हमेशा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देता हूँ, तो जाके आप बाय कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं और बाय कर सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। धन्यवाद दोस्तों।